वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो। सो आज हम बात करने वाले हैं द न्यूली लॉन्च Hyundai Venue 2022 के बारे में, जो आज ही लॉन्च हुई है अपने एक न्यू अवतार में। एंड ये देखने में कम्प्लीटली डिफरेंट लगती है अब ओल्ड Venue से। एंड सिर्फ देखने में ही नहीं, इसमें अब आपको काफ़ी सही न्यू फीचर्स भी मिल जाते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक्स की बात करें तो कार पहले से ज़्यादा काफ़ी मस्कुलर लगती है देखने में। फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा Hyundai Tucson जैसी लगेगी आपको बिकॉज ऑफ दिस न्यू ग्रिल विद डार्क क्रोम, जो देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। हेडलैम्प सेटअप की बात करें, इसमें आपको पहले की तरह ही स्प्लिट हेडलाइट सेटअप मिलता है, जिसमें आपको यहाँ LED DRLs मिल जाती हैं विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। यहाँ आपको LED टर्न इंडिकेटर मिल जाता है विद रिफ्लेक्टर। नीचे की तरफ चलें तो नीचे अब आपको इसमें फॉग लैंप नहीं मिलते जैसे पहले मिलते थे, बट नो डाउट कार काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है फ्रंट से, स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस डार्क क्रोम ग्रिल। साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो साइड में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको मल्टी स्पोक डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ORVM की बात करें तो इसमें आपको ऑटो होल्ड ORVM मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर। बैक की तरफ चलें तो इसकी बैक प्रोफाइल तो कम्प्लीटली चेंज कर दी है। पीछे से अगर आप देखोगे इसे ध्यान से तो देखने में काफ़ी ज़्यादा किया सोनेट एंड टाइगन जैसी लग रही है, बट अगर आप इसे पुरानी Venue से कंपेयर करोगे तो दिस इज़ लुकिंग मच बेटर देन दैट। अब इसमें आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो रियल लाइफ में सीरियसली देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सेंटर में आपको यहाँ Venue की बैचिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ चलें तो नीचे आपको यहाँ दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं विद रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिफ्लेक्टर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट मिल जाती है। एंड ऊपर की तरफ आपको इसमें शाफी एंटीना रूफ रील मिल जाती है। आपको इसकी न्यू बैक प्रोफाइल कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बूट की बात करें तो इसमें आपको पहले की तरह ही 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे बूट लाइट भी मिल जाती है। अब चलते हैं जरा कार के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल टोन फ्रिंज के साथ इसका इंटीरियर मिलता है। ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो इसके ऊपर आपको विंडो के कंट्रोल्स, ORVM के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ बॉटल होल्डर एंड स्पीकर मिल जाता है। ट्विटर भी आपको यहाँ मिल जाता है इसके ऊपर। एंड यहाँ आपको इसका मिलता है सबसे बढ़िया फीचर जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट कंट्रोल। इसकी ड्राइवर सीट को आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सही लेदर या डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है जैसे आपको क्रेटा में मिलता है, जिसके ऊपर आपको क्रूज कंट्रोल, मिड डिस्प्ले कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी सही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, हेडलाइट लेवलर, अट्रैक्शन कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी AC वेंट भी आपको यहाँ मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ 8 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों मिल जाते हैं। AC कंट्रोल्स एंड फुली क्लाइमेटिक कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ एक USB पोर्ट, 12 वाट का सॉकेट एंड एक फास्ट चार्जिंग का सॉकेट भी मिल जाता है। एंड वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको इसमें यहाँ मिल जाता है। एंड ये है इसका 6-speed मैनुअल गियर नॉब। एंड ये है इसका आर्मरेस्ट जिसके ऊपर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है। एंड ये है इसका ग्लव बॉक्स जो आता है कूलिंग फीचर के साथ। एंड गाइज, ये है इन्वॉल्व की तरफ से सिल्वर स्पार्कल एयर परफ्यूम, जिसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है जो आपकी कार के इंटीरियर को काफ़ी फ्रेश बना देता है। एंड इसमें आपको 200+ स्प्रेज मिल जाते हैं, सो इसको आप जाके जरूर बाय करो एंड यूज़ आर कूपन कोड WHEELS10 टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। पीछे की तरफ चलें तो पीछे आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं, दो चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं फास्ट चार्जिंग। यह है कार का ओवरऑल इंटीरियर का लुक। आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इंजन की बात करें तो Hyundai Venue में आपको टोटल 3 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं। 2.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आपको ES, S ऑप्शनल एंड SX मैनुअल वेरिएंट में ऑफर होता है। एंड सेकेंड इंजन इज 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको S ऑप्शनल एंड SX ऑप्शनल में ऑफर होगा। एंड द थर्ड इज जो आप वीडियो में देख रहे हो 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो आपको S+, SX एंड SX ऑप्शनल मैनुअल वेरिएंट में ऑफर होगा। इस कार में सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, अट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड ये इसकी की जिसकी मदद से आप कार के इंजन को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको क्वेरी है किसी भी Hyundai कार से रिलेटेड या फिर आपको परचेज करनी है Hyundai कार, तो मैंने शोरूम की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप उन्हें वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।